जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, तो प्लीज समझ जाइए। नमस्कार दोस्तों, तो आ गए आप सब, कैसे हो? आई थिंक आप सब मजे में होंगे। और कृपया करके इस चैनल के हेटर्स, मतलब प्यारे प्यारे एनिमी दुश्मन, थोड़ा इस वीडियो से दूरी बना के रखें। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 43 MCQ क्वेश्चन के बारे में, और ये होगा इसका वीडियो का पार्ट 13। इस बुक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आज के सभी क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे इस बुक में से, पार्ट 11 में, पार्ट 12 में। आप सबने मुझे बहुत सारे कमेंट्स करे, अपने स्कोर भेजे, और वीडियो के अंत में जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उन सब के आपने राइट आंसर दिए। उन सभी बच्चों के नाम मैं अनाउंस करूंगा अपने किसी न किसी एक वीडियो में, शायद पार्ट 16 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो विदाउट एनी डिले। तो अलर्ट हो जाइए और काउंटिंग लिखिए अपने पेपर पर 1 से लेकर के 43 तक। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने, दोदा बेटा, अनाई मुदी, कंचन जंगा, अन्नपूर्णा। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, अनाई मुदी। क्वेश्चन नंबर 2, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, लेट राइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रज गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। थर्ड राइट आंसर होगा इसका आपका डी, गोदावरी। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बेसिक क्वेश्चन है, पिछले काफी सारे वीडियो में हमने डिस्कस भी करा था। मैं बात कर रहा हूँ घटना चक्र जो MCQ बुक थी उसमें हमने काफी बार ये क्वेश्चन देखा था उस बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है आपका दक्षिण की गंगा। सोचिए सोचिए, विचार करिए फटाफट। देखिए, इसमें आपको इन दो ऑप्शन में डाउट होगा, इस चीज की मैं श्योरिटी लेता हूँ कि आपको या तो कावेरी में डाउट होगा या फिर गोदावरी में। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है आपका गोदावरी। अगर आपको कोई डाउट हो, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, आप सबसे पहले सर्च करिए विकिपीडिया, उसके बाद क्रॉस चेक करना अपनी लूसेंट बुक में से, उसके बाद ही मुझे कमेंट करना कि सर इसका आंसर तो गलत था। देखिए, जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ वो मैं एक बार खुद क्रॉस चेक करके ही वीडियो तैयार करता हूँ। तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार दो जगह अपने आप को चेक करना, एक तो आपकी लूसेंट बुक में से चेक कर लेना अपने आप को, और एक चेक करना विकिपीडिया से। तो इसका राइट आंसर है फिलहाल डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है क्या? पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, लिम्नोलॉजी एंड डेंड्रोलॉजी। तो 5 5 का जो राइट आंसर है वो है आपका पेडोलॉजी। भाई, पेड़ों का मतलब क्या है? पेड़ पेड़ का मतलब क्या है? ट्री ट्री का मतलब क्या है? प्लांट प्लांट का मतलब क्या है? पौधे, राइट? और ये सभी लगते हैं मिट्टी में, तो क्या हो गया, मिट्टी का अध्ययन क्या कराया आपका? पेडोलॉजी। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा और रहना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप, नार कोडम द्वीप, न्यू मोर द्वीप और पंपन द्वीप। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका बैरन द्वीप। यहाँ पर कैसे ज्वालामुखी है? तो भारत का एक्टिव ज्वालामुखी जो है वो है बैरन द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 7, सोम पेंस जनजाति कहाँ के निवासी हैं? लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, निकोबार द्वीप। क्वेश्चन नंबर 8, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर होगा इसका आपका डी, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का कौन सा द्वीप परवाल निर्मित है? लक्षद्वीप, पंबन द्वीप, अंडमान निकोबार और दादर नागर हवेली। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है आपका लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? दक्कन का पठार,
मेघालय का पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर मालवा का पठार। तो क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट लगाइए इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, टेथिस सागर। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है आपका टेथिस सागर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? अपशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और भ्रंशोथ पर्वत या फिर वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर है इसका डी, वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 13 की, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, ए और बी दोनों। 13 राइट आंसर है इसका डी, ए और बी, मतलब कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी क्या है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम था तो प्लीज आप इसको कहीं पर पेन डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बेसिक क्वेश्चन ये था। अगर आपका बेस वीक है तो प्लीज भूगोल पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरता है? कावेरी, ताप्ती, कृष्णा और नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 15, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए पेडोलॉजी अभी हमने देखा था, अगर आपको याद होगा पेडोलॉजी क्या था, मिट्टी का अध्ययन, पेड़ पौधे ट्री प्लांट आपको बताया था मैंने, जरा हिंट। तो पेड़ का लगता है मिट्टी पर, तो इसलिए क्या हो गया वो पेडोलॉजी। तो ए तो हमारा नहीं हो सकता। अब आती है बात बी सी और डी के, इतना हिंट मैंने आपको दिया कि ए को मैंने आपको एलिमिनेट करवा दिया। अब 15 में से राइट आंसर आपको निकालना है, तो ये है आपका लिम्नोलॉजी, पेट्रोलॉजी और पोमोलॉजी। तो ये है आपका पेट्रोलॉजी, अगर आपको याद है डायरेक्ट तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको याद नहीं है इन केस तो आपको थोड़ा सा कुछ वर्डों को ट्रिक के माध्यम से भी याद आप कर सकते हैं। हर एक की ट्रिक याद करना पॉसिबल नहीं है, ये भी आप याद रखना, स्टैंडर्ड चीज़ों की आप ट्रिक याद कर सकते हैं। देखिए चट्टानों पर क्या होता है कि चट्टान अगर ऊंचाई पे होती है, जो माउंटेन जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, तो वहां पे क्या होती है जो गाड़ियां चलती हैं, गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है वो अधिक खर्च होता है, क्योंकि भारी भरकम गाड़ी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, पैसेंजर होते हैं उसमें, तो पूरा का पूरा वेट पड़ता है इंजन पर और इंजन मैक्सिमम क्या पीता है पेट्रोल। तो चट्टानों की चढ़ाई में पेट्रोल अधिक खर्च होता है, तो पेट्रो मतलब पेट्रोल, पेट्रोलॉजी चट्टान, पैट्रोलॉजी याद रहेगा, रहना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिए, एक वर्ड को एक तरीका होता है कि 100 बार लिख के देखिए तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन 100 बार लिखने के लिए आपको टाइम भी चाहिए। तो सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि निमोनिक मैथड के द्वारा, निमोनिक मैथड किसी भी वर्ड को रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर देना, दिस इज कॉल्ड निमोनिक मैथड। क्वेश्चन नंबर 16, झीलों का अध्ययन कहलाता है क्या? अब बोलते हैं लिम्नोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, स्लाइडेन एंड इनमें से कोई भी नहीं, तो बताइए इसका, सॉरी पेडोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 16 का जो राइट आंसर होगा इन दो में से एक होगा, तो इसका राइट आंसर आपका लिम्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है क्या? खादर, बांगर, दलहन, लोएस। 17 राइट आंसर आपका बी, बांगर। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पेडी प्लेन, ऑरिचिड या फिर स्लाइडेन, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका पेडी प्लेन। क्वेश्चन नंबर 19, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर, रेगुर, इसको रेगुड़ बोलते हैं, रेगुर, एग्जाम में आपको मैक्सिमम रेगुर मिलेगा, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर सी है खादर, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी है आपका लोएस। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका खादर। बांगर बोलते हैं जो पुरानी मिट्टी होती है, और नई मिट्टी को बोलते हैं आपकी खादर। क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है क्या? नासिक में, बालेश्वर, जबलपुर, अमरकंटक। 20 राइट आंसर है आपका डी, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, हुगली, सांगपो, मानस। 21 राइट आंसर है आपका डी, मानस। क्वेश्चन नंबर 22, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 25, 20, 30, 36, 22 राइट आंसर है इसका डी, 36।
अगला है क्वेश्चन नंबर 23। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी, दोदा बेटा, अमरकंटक एंड महेंद्र गिरी। 23 क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर होगा इसका आपका बी, दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गारो खासी जयंतिया जो ये जनजाति है वो भारत के किस राज्य में रहती है? बहुत 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 ऑसम क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, तो दीजिए इसका राइट आंसर, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। सोचिए, दीजिए इसका आंसर। 24 का राइट आंसर आपका मेघालय। क्वेश्चन नंबर 25, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? देखिए, कपास की खेती मैक्सिमम होती है आपकी महाराष्ट्र में, ये चीज़ याद रखिएगा, और इसके बारे में मैंने डिस्कस करा है पिछले अपने काफ़ी सारे वीडियो में, तो इसका राइट आंसर आपका का से कपास, का से काली मिट्टी, हो गया याद, का कपास, का काली। क्वेश्चन नंबर 26, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? देवप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, गंगोत्री। 26 ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और पढ़िए दोबारा से ऑप्शंस के और दीजिए इसका राइट आंसर। 26 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, देव प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। 27 राइट आंसर होगा इसका सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 28, एमरॉल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एवं दीप एंड न्यू मोर द्वीप। 28 राइट आंसर होगा इसका बी, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 29, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून या फिर भूमध्य सागरीय मानसून। 29 राइट आंसर होगा इसका सी, लौटता हुआ मानसून। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कावारत्ती, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा, दमन एवं दीप। 30 का राइट आंसर है आपका ए, आप देख लीजिए कावारत्ती, और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, दामोदर नदी को, कोसी नदी को एंड पुनपुन नदी को। 31 राइट आंसर आपका सी, कोसी नदी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, आदम ब्रिज किन के बीच स्थित है? श्रीलंका एवं केरल, तमिलनाडु एवं श्रीलंका, श्रीलंका एवं मालदीव, श्रीलंका एवं जावा। 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, तमिलनाडु एवं श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, लक्षद्वीप एंड नारकोडम द्वीप। 33 राइट आंसर होगा इसका डी, नारकोडम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, दामोदर, कावेरी, नर्मदा। 34 राइट आंसर है इसका बी, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? गंगा, ताप्ती, नर्मदा, बी और सी दोनों। 35 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, ताप्ती और नर्मदा नदी, मतलब कि दोनों ही होती हैं क्या, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित मतलब बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? कावारती, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा, दमन एवं दीप। फटाफट लगा लीजिए अपना आंसर, तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 37, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कुछ समय पहले, तो पीठ है, रेगुड़ है, खादर है, बांगर है, तो 37 का जो राइट आंसर है वो है आपका रेगुड़ मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 38, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्याचल। 38 राइट आंसर है इसका आपका होगा बी, सतपुड़ा। देखिए स्पीड तो ऐसी रहेगी आपकी पढ़ने की, खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से। देखिए मिट्टी से संबंधित मैंने पार्ट 9 में या 10 में आपको बताया था कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। सभी 8 मिट्टी के आपको मैंने नाम भी बताए थे, ये भी आपको याद होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब कितनों को क्या याद है वो तो आप लोग ही जानते हैं। देखिए उसके बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अधिकांश मिट्टी भारत में कौन सी पाई जाती है, मतलब कि भारत का जो भूमि है, जो एरिया है, लैंड जो है उसकी, तो उसमें अधिकांश कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ,
जरूर मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी एंड लेटराइट मिट्टी, इसमें से एक कोई आपका सही जवाब है। और ये मुझे भेजेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके। और पार्ट तो मुझे याद नहीं कौन सा पार्ट था, पार्ट 9 या 8 कोई एक था इसमें से पक्का है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन इसका आप मुझे आंसर भेज सकते हैं अगर आपको वो अब तक पार्ट याद है तो। और इस वीडियो में इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन सबसे और पूछूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे आंसर भेजेंगे। मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं जो काफ़ी एक्टिव सब्सक्राइबर पहले नहीं थे लेकिन अब होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी एक्टिव नहीं है तो प्लीज़ आप भी एक्टिव हो जाइए, क्योंकि पढ़ाई होती है एक्टिवनेस से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती है, मिलकर के एक नदी बन जाती है, तो मिलकर के एक संयुक्त धारा बन जाएंगी, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, मेघना, दिहांग, भगीरथी और हुगली। 39, 39 का जो राइट आंसर है वो है आपका मेघना। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने की। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में आकर टकराता है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। 40, 40 का जो राइट आंसर है वो है आपका केरल। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून या फिर भूमध्य सागरीय मानसून। 41 राइट आंसर है इसका ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। 42 राइट आंसर है इसका बी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है 43। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड तक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी आप यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग साइट या फिर टेलीग्राम वगैरह, वहाँ तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो शेयर का जो रेशियो है वो थोड़ा कम आ रहा है इस वीडियो पर, इन सभी वीडियो पर। देखिए, आपका शेयर, आपका लाइक, आपका कमेंट हमको करता है मोटिवेट। तो हमारा मोटिवेशन प्लीज़ बनाए रखिए, और आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम। और आज का क्वेश्चन है इसी पार्ट 13 में कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन, अभी मैंने आपको निमोनिक मेथड भी बताया था, इसका आंसर आपको पता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन मुझको उसका आंसर जरूर भेजना जो मैंने आपसे अभी पूछा था, कि अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी भारत के क्षेत्रफल पर पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए थे मैंने, उसका आंसर आप मुझे भेजना। और अभी इस वीडियो में आपने कितना स्कोर करा, आपका टोटल स्कोर क्या रहा, कितने में से? 43 में से, ये आपको मुझे भेजना है। तो दो तीन कमेंट करने हैं तो फटाफट कर दीजिए, कोई भी काम कल पे मत छोड़िए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, याद करिए हर एक का आंसर, टाइप करिए और भेज डालिए। आपका नाम का अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द करूँगा, पार्ट 16 में या फिर 17 में, बहुत जल्द। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ, बट आपका नाम मैं ज़रूर लूँगा, आपका कमेंट सामने व्यू के साथ में दिखाऊंगा कि आपने क्या लिखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, हार मत मानिएगा, क्योंकि अब आ चुका है टाइम करो या मरो का। जी हाँ, उम्र भी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, टेंशन उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। घर वालों का फोर्स आपके सर पर बरकरार होगा, शादी का या फिर अन्य किसी जिम्मेदारी का। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और मुझको बताइए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है, राइट?